तुम्हारा स्टॉक में तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस है, नीचे खुला है ना ऊपर में खुला है। इसका इसका प्राइस बहुत कम है, मैंने इसको 190 रुपए में लिया, इसीलिए तो तुमको आधा कपड़ नहीं दिया है। इसको इनर माफी पिन सकते, मैं कि लंदन था रहता हूँ, थोड़ा खुला खुला होता है तो अच्छा लगता है। चप्पल चमारूंगी मैं, कल ही मिला हूँ तेरी मम्मी से चौक पे, कहती है व्हाट किया, मेरे को जाना पड़ेगा। A few moments later, मम्मी आंखें मत खोलना ठीक है, ठीक है, ठीक है। गाइस आज मैं जाने वाली हूँ मेरी एक लड़का दोस्त से मिलने, ठीक है, सुन रहे हो? और मैं कौन सा ड्रेस पहन के उससे मिलने जाऊंगी वो मेरी मम्मी डिसाइड करेंगी आज, मेरी डियरेस्ट मम्मी, ठीक है मम्मी? हाँ ठीक है। तो मैंने पहला ड्रेस पहन लिया है, बहुत खूबसूरत है गाइस, देखते हैं ये ड्रेस मेरी मम्मी को कैसा लगता है। आंखें खोलो। यह क्या ड्रेस है? अच्छा नहीं है, मैं कि लंदन था रहता हूँ। क्यों, अरे लंदन में ही क्या ये ड्रेस पहनता है क्या? मेरा गांव में बस करता हूँ। हम गांव में नहीं रहता है, हम कोलकाता में रहता है, ये शहर है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है इस ड्रेस में, सच्ची बताओ? हाथा नहीं है तो क्या हुआ? इतना छोटी है। इतना छोटी, इतना तो मैं, इतना तो हर कोई पहनता है, हर कोई सिनेमा में देखते नहीं हो आप? सिनेमा में चलता हूँ। तो मैं कोई हीरोइन से कम हूँ क्या? मैं हीरोइन हूँ। ना तुम हीरोइन हो तो फिर मैं क्यों नहीं पहन सकती? मेरा पड़ोसी लोग है ना। हाँ तुम्हारा पड़ोसी लोग, उन लोग समालोचना करेगा, वो लोग समालोचना करेगा इतना छोटा ड्रेस पहना है। अरे वो लोग को बोलने दो, लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दो, क्या हो जाएगा? ठीक है। तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहन लू? हाँ पहनो। ये पहन के जाऊँ मैं? हाँ जाओ। सच्ची में? सच्ची में ओला उबेर में जाएगा। गाड़ी कितनी औसम है। पर मैं वापस आने के बाद तुम चप्पल से मारोगी तो नहीं मुझे? वापस नहीं आएगा। मैं वापस नहीं आऊंगी? नहीं आएगा। तो क्या करूँ? उधर ही रहेगा। उधर ही रह जाऊँ? हाँ। देखो यार मम्मी मुझे घर से निकाल देने की बात कर रही है इसी ड्रेस में। तो कोई बात नहीं, आप इस ड्रेस को 10 में से कितना नंबर दोगे? देखो अच्छे से देखो तो बोलो कितना दोगे तुम? तो इसका इसका प्राइस बहुत कम है, मैंने इसको 190 रुपए में लिया, इसीलिए तो तुमको आधा कपड़ नहीं दिया है। इसको इनार माफी पिन सकते। गाइस मम्मी ने तो इस ड्रेस को इनर बना दिया, तो मैं नेक्स्ट ड्रेस पहन के आती हूं, ठीक है मम्मी? इससे अच्छा पहन लूंगी। हां हां ओके। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत यूजफुल ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। गाइस एक्स्ट्रा इनकम किसको अच्छा नहीं लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहती हूँ जिस चीज से मैं एक्स्ट्रा इनकम कर सकती हूँ उस चीज का फायदा आप भी उठाओ। तो जिस ऐप के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस ऐप का नाम है बीनोमो ऐप। बीनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में इसका लिंक दे दिया है, वो भी मेरे प्रोमो कोड के साथ। एंड अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो ना आपको मिलेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट। गाइस बीनोमो ऐप का इंटरफेस ना आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा रियल अकाउंट। इसमें दो अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट एंड डेमो अकाउंट। रियल अकाउंट में आप रियल पैसे से ट्रेड कर सकते हो, एंड डेमो अकाउंट में आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको डिपॉजिट का भी ऑप्शन मिलता है। सो जब भी आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। मेरा फेवरेट है यूपीआई, तो यूपीआई से भी आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड अभी आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखेगा जो अप एंड डाउन जा रहा है, तो बेसिकली हमें यही प्रेडिक्ट करना होता है कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन। अगर हमारा प्रेडिक्शन सही रहा देन हम अर्न करेंगे। एंड यहाँ पे आप अमाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने अमाउंट से ट्रेड करना है। एंड यहाँ मेरा एक और फेवरेट फीचर है जो है 5 सेकंड ट्रेड। 5ST क्रिप्टो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। एंड यहाँ पे होता क्या है ना, ग्राफ हर 5 सेकंड के अंदर चेंज होता है, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो 5 सेकंड के अंदर आपके सामने होगा। मुझे लगता है ग्राफ यहाँ से डाउन जाएगा, तो मैंने डाउन वाले एरो के ऊपर क्लिक कर दिया। लेट्स सी गाइस क्या होता है। मुझे तो लगता है बिल्कुल सही जाएगी। गाइस मेरी प्रेडिक्शन सही हो गई। तो अगर आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बिना मोबाइल ऐप में आप ट्रेडिंग सीख भी सकते हो। एंड आपके डेमो अकाउंट में आपको मिल जाएगा $10,000 मेरी तरफ से, एंड उस $10,000 से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो डेमो अकाउंट से पहले सीख लो, देन रियल अकाउंट से असली ट्रेडिंग करो। तो मैंने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक एंड मेरा प्रोमो कोड दोनों दे दिया है। जल्दी से लिंक में जाके मेरा प्रोमो कोड देके साइन अप करो एंड ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो। मम्मी रुको, ये ड्रेस मेरा आज तक का सबसे ज्यादा
फेवरेट ड्रेस है। कुत्ता बिल्ली पाल लेना, गलत फहमी मत पालना। ऐसे क्या देख रहे हो, इतनी सुंदर लग रही हूँ क्या मैं? इतना सुंदर सुंदर है, इतना फाका है, इतना फाका है, इतना फाका तो रह ही सकता है ये तो, मतलब नहीं रह सकता है। क्यों? अभी इतना सर्दी भी नहीं है, अभी तो गर्मी आ रहा है ना, तो अभी गर्मियों के मौसम में थोड़ा खुला खुला होता है तो अच्छा लगता है। चली जाऊंगी मैं फिल्मों में हीरोइनी बनने। तुम्हारा शर्म नहीं है? शर्माने की क्या बात है, सब तो ढका हुआ ही है मम्मी। आ, मेरे को तो शर्म लगता है, तो इतना लाइफ खराब हो गया है। ये पेट दिखना है। अरे ये तो अभी स्टाइल है, अभी हीरोइन लोग तो पहनता है ऐसे ही पहनता है। क्या बोलते हो, ये पहन के चली जाऊं? कहां जाएगा? बोला ना एक लड़के से मिलने। लड़का को घर नहीं है, उसको घर में रह जाऊंगा। लड़के के घर में रह जाऊं? क्यों, मेरा तो घर है ना। मेरा ये ड्रेस में मेरा घर में नहीं रहेगा। तो अच्छा ठीक है, ये ड्रेस पहन के मैं ऐसे जा तो सकती हूँ ना बाहर, लड़के के साथ अगर नहीं जाऊंगी तो भी कभी ना बाहर नहीं जा सकता है। क्यों? रास्ता का सब लोग तुम्हारा देखेगा। वही तो मैं चाहती हूँ कि देखे। तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात नहीं है। नहीं अच्छी बात नहीं है। क्यों? अच्छा आँख में नहीं देखेगा। अच्छा नजर में नहीं देखेगा? अच्छा नजर में नहीं है, बुरी नजर में देखेगा। बुरी नजर में देखेगा। तो तुम नजर उतार देना मेरा ऐसे करके, ऐसे वो जो अब करते थे ना ऐसे करके नजर उतार दो थोड़ा सा। नजर भी नहीं उतारोगे? नहीं उतारोगी। क्यों? अच्छा नहीं है ये तो, मैंने 350 में खरीदा, इतना लंबा, वो भी दो पार्ट में है। अभी इसको रेटिंग करो कि कितना मैं कितना आप इसे 10 में दोगे। 4। 4? पहले से ज्यादा अच्छा है ये? हाँ। Oh my God, guys, मम्मी ने इसको 4 दिया। I can't even imagine। Next dress पहन के आऊँ मैं? आओ। Mom, सर्दियों का ड्रेस पहन के आ गई हूँ, देखो। ये तो लाल रंग का बस्ता है। बस्ता है? बस्ता है। ये पकड़ो, इसको पकड़ो। हाँ देखो एकदम बिल्ली जैसा। बिल्ली जैसा है? हाँ। ना कि रेड एनिमल। रेड एनिमल लग रही हूँ मैं? हाँ। तो अच्छी बात है, एनिमल जैसा भी कभी कभी लगना चाहिए। हाँ, तो ये पहन के जाऊँ आज डेट पे मैं, मतलब मिलने मेरे फ्रेंड के साथ। नंबर 1 का कबीना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्यों दिमाग क्यों खराब होगा? ढाको इधर उधर ढाको जाओ। अच्छा ऐसे ऐसे अगर ढक लिया तो? हाँ, मतलब ऐसे ढक सकते हैं, अभी नीचे का तो कुछ नहीं कर सकते। बॉटम है ना, बॉटम है। अच्छा हाँ, बॉटम लगा, बटन लगा के ऐसे जाऊं मैं? हाँ, फिर तो मैं जाओ। फिर तो मैं जादू जैसे लगूंगी। ये अच्छा लग रहा है ज्यादा? हाँ, पहले से ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। ठीक है। हाँ। अभी बताओ कि इस ड्रेस को तुम, ये थोड़ा मेरा इधर उधर हो जा रहा है, कुछ है नहीं ना यहाँ पे, तो बताओ कि इस ड्रेस को तुम कितना दोगे 10 में से? It is so bad, I want to give you a 0. 5. और अगर ऐसे पहनूं तो? 6. एक नंबर बढ़ाया से? हाँ। पसंद नहीं आया? हाँ पसंद आया है। पसंद आया है? तो 6, ठीक है गाइज, इसको 6 मिलेगा ऐसे पहनूंगी तो, और अगर ऐसे पहना तो 5 मिलेगा। अभी जो ड्रेस आपको मैं दिखाऊंगी वो है एकदम एक प्रिंसेस लुक वाला ड्रेस, ठीक है? दिखाऊं मैं? दिखाओ दिखाओ। ये देखो, वाओ ना, ये तो बार्बी डॉल है। ये तो बार्बी डॉल है। तुम्हारा स्टॉक में तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस है, नीचे खुला है नहीं ऊपर में खुला है। ये तो पूरा अच्छा ढका हुआ मॉम। इससे क्या मैं ज्यादा ढका हुआ पहनूं बताओ? नीचे ढका है, ऊपर खुला है, ऊपर ढका है, नीच में खुला है, इतना तो खुला ही रहता ही है मॉम। हाँ। ये पूरा एकदम ढका हुआ होता तो अच्छा लगता क्या? अच्छा तो लगता है। और ये देखो, ये नीचे देख रहे हो कितना सुंदर। हाँ, नीचे देख रहे है कितना सुंदर है। मेरे तो साफा कौन करेगा, मैं तो साफा करना पड़ेगा। अरे साफा क्यों करना पड़ेगा? हाँ। साफ क्यों करना पड़ेगा इसको? ये तो मैं तो मतलब रस्ते में था, जब जाऊंगी तब थोड़ा सा तो झाड़ू देते देते जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान हो जाएगा ना। हाँ, हाँ। थोड़ा झाड़ू देना भी तो अच्छी बात है। हाँ, हाँ, आप तो कलन है, आप तो हो ही घर में, आप तो धोके ही दोगे है ना। आप वॉश करके दोगे ना? देगा। तो मैं जाती हूँ ये लेके। जाओ जाओ जाओ। जो जो मेरा लड़का दोस्त है उसको पसंद आएगा ये ड्रेस? अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले क्या, उसको मालूम है क्या पसंद आएगा। फिर भी आपको क्या लगता है किसी लड़के
को अगर कोई लड़का अगर मुझे ये पहन के मैं उससे मिलने जाऊं तो उसे तुम्हारा मापिक लड़का हो पता तो पसंद आएगा, घर में ले जाएगा वो। क्यों घर में? ऐसा ड्रेस में घर में ले जाएगा? घर में क्यों जाएगा? घर में नहीं जाएगा, हम तो रेस्टोरेंट में जाएगा, खाना खाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है तो जाओ। जाओ फिर जाओ। नहीं गाइस, मेरी मम्मी का मैं तो समझती हूँ, मेरी मम्मी गुस्सा होके कभी कभी बोलती है कि जाओ जाओ, फिर मैं नहीं जाती हूँ। मम्मी कोई बात नहीं, मैं ये नहीं पहन के जाऊंगी, नेक्स्ट कोई ड्रेस और आपको दिखा देती हूँ। दिखाओ। आप बोलो इसको 10 में से कितना दोगे? देखो आप चीटिंग मत करना। अच्छा थोड़ा और बढ़ाओ। नहीं बढ़ाएगा, ऊपर में कुछ नहीं है। अरे अरे ऊपर ये तो बाल दे दिया मैंने, देखो ये देखो। अभी बोलो कितना दोगे मम्मी? 7 ही है। जाती हूँ चेंज करने में। मॉम मैं आ चुकी हूँ एकदम फुल एंड फाइनल सुंदर सुशील संस्कारी ड्रेस पहन के। ठीक है, ये अच्छा है? अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल परफेक्ट। 10 में कितना दोगे? 10 में 9 देगा। फिर भी 10 नहीं देगा यार। फिर मैं जा सकती हूँ ये पहन के मैम के साथ? जाओ। मम्मी सच बात बताओ आपको एक? बोलो। एक्चुअली मैंने ना आपको झूठ बोला था, मतलब मैंने बोला था ना मैं एक मेरा लड़का दोस्त से मिलने जा रही हूँ, वो सच है। बट बात ये है कि मैं अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, तो मैं वैलेंटाइंस डे की डेट पे जाने वाली हूँ एक लड़के के साथ। हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। चप्पल चबाऊंगी। क्यों? तुम्हें सब वीडियो बनाते हो? अरे वीडियो में तो बोला सच बात, इसलिए बोला। मम्मी आप गुस्सा क्यों होते हो? लोग क्या बोलेगा, तुम्हारा वीडियो देखेगा? देखेगा क्यों नहीं देखेगा, वैलेंटाइन डे में तो हर कोई जा सकता है। मैं ना जाऊं? जाओगी तो चप्पल से मारूंगी। इतना काहे को गुस्सा हो रहे हो मम्मी? इतना गुस्सा तो तुम नहीं होते हो। नहीं होते हो? ठीक है मॉम, मैं नहीं जाऊंगी, आप गुस्सा मत हो, आप शांत हो जाओ। शांत हो जाओ मेरे बच्चे, शांत हो जाओ। तो फिर क्या तुम्हारे साथ जाऊं? नहीं, शादी का बाद तुम जब पोती का साथ जाएगा। पोती का साथ जाएगा? ऐसा कर रहे हो मम्मी? ठीक है गाइस, मम्मी जल्दी से शादी करा दोगी मेरी? ठीक है करा दो। तो मम्मी मेरी जल्दी जल्दी शादी करा देगी। अभी मम्मी थोड़ा गुस्सा हो गई है, अभी मम्मी को थोड़ा शांत करवाना पड़ेगा गाइस। तो मैं जाती हूँ दूल्हा ढूंढने। दूल्हा ढूंढने जा रहे हैं हम दोनों? आप जरूर इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मम्मी इतना गुस्सा हो गई है, शायद कैमरा बंद होने के बाद ही मुझे मार पड़ने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो करो। ओह माय गॉड, मेरी मम्मी बोलेगी मत करो। कोई अगर लड़का है तो मुझसे मिलना, मैं शादी कराई दूंगी। शादी कराई दोगे? मैं शादी कराई दूंगी। मम्मी शादी कराई देंगी गाइस। तो चलो मैं शादी करने गई, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय करो। बाय 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 करो। अच्छा लड़का आएगा तो मैं शादी दे दूंगी। ठीक है ठीक है।